अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम आए कराची के सबसे बड़ी मार्केट पर, जो है ना कि फिशेस की वैरायटी, झींगा, केकड़ा और केकड़ा के सूप। तो आज हम यहाँ पर डिनर करने आए और हम आज आपसे करेंगे शेयर कि यहाँ पर किस तरह की जो डिशेज होती हैं और किस तरह की जो है ना कि वैरायटियाँ मौजूद हैं। तो चलें, चल के करते हैं एंजॉय। जहाँ पर आपको फिशेस की हर तरह की वैरायटी मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये तमाम फिशेज रखी हुई हैं, साथ में झींगा भी रखा हुआ है और पापलेट है और मजीद ये केकड़े का सूप है। हाँ, ये जिंदा केकड़ा ही आप देख सकते हैं। ये केकड़े का सूप जिंदा है, थोड़ा थोड़ा जिंदा है। ये फिशेज यहाँ पर तैयार हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। जुनेद और साथ में जमशेद साहब वाले आगे जा रहे हैं, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जमशेद साहब हैं, साथ में अपनी रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। पीछे खालिद भाई खड़े हुए हैं। जी खालिद भाई, क्या हो रहा है भाई जान? ये शहजाद भाई की तरफ से सी फूड की दावत है ये। अच्छा शहजाद भाई, शहजाद भाई खास तौर पे आपने ये आज की दावत यहाँ पर रखी है, और ये बताएं कि आज दावत में हमें क्या क्या खिला रहे हैं? दावत में आज आप लोगों को हम यहाँ पर फिश और झींगा झींगा कराएंगे। जबरदस्त व्यूवर्स, तो एंजॉय करते हैं। वो खाया था आपको, अल्लाह भला करे, ब्लूटी टिक्का। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मजा आया था आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मजा आया। जी खालिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये बलोची टिक्का तो ये पसंदीदा डिश है हम लोगों की। ये दूसरी जो मछली सी फूड सर्दियों के अंदर यहीं आते हैं हम लोग, बहुत जबरदस्त ये शहजाद भाई ने दावत रखी है, आप मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, झींगा मछली। चले फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं कि जी क्या क्या यहाँ पे आज खाने को मिलता है और क्या जो है ना कि वहाँ पर किस तरह का हमें यहाँ का खाना लगता है, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर आए हैं, ये आगा सी फूड है और यहाँ से हम जो है ना कि अपने लिए फिश वगैरह बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये फिशेस की वैरायटी नज़र आएगी। आई थिंक दंडिया है, ये कौन सी है मछली? दंडिया है ना? जी दंडिया है। और कुंदे, बारा पूरा, रेड स्नैपर, हीरा, ये कौन सी है? ये कुंदे, कुंदे और वो हीरा है, तो कसा है। ये फ्रेंड हीरा है और साथ में वो कौन सी मछली कौन है? जी वो मुश्का है, वो मुश्का है। ये हीरा है और हीरे के बाद ये दंडिया है, दंडिया के बाद ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये झींगा है यहाँ पर, और झींगा के साथ यहाँ पर ये इनका तरीक़ेकार है बनाने का। ये यहाँ पर फिशेस के कबाब इस तरह बनाए जाते हैं जाली में लगाकर, और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मज़ीद इनको टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह के हैं। और ये इनका जो है यहाँ पर सारा अपना सी फूड का अंदर का ओवरव्यू आप देख सकते हैं। मज़ीद हम जो हैं बाहर बैठे हैं, ये खालिद भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं शायद किसी का। फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ की स्पेशल झींगा कढ़ाई। तो शायद आपने पहले भी देखी हो या ना देखी हो, मुझे तो ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली है यहाँ पर, कि यहाँ पर स्पेशल झींगा कढ़ाई भी बनाई जाती है। तो अब मज़ीद इसका टेस्ट चेक करते हैं जब ये तैयार होती है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ चुकी है स्पेशल झींगे की कढ़ाई। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पूछेंगे जानदेव भाई से। जानदेव भाई, काफी गर्म है। गर्म है। जी जनाब, आप बताएं कैसी है ये? बहुत जबरदस्त, बहुत डिलीशियस माशाल्लाह।
बड़ा लाजवाब है बिल्कुल जी। फ्रेंड्स तो साथ में हैं फैसल और अब हम करेंगे ये डिनर और इसका टेस्ट लेकर आपको बताएंगे कि ये क्या है और किस तरह है इसका टेस्ट। फ्रेंड्स तो खाने से लुत्फानंदोज होने के बाद हम थोड़े से रिव्यू लेंगे खालिद भाई से। जी खालिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे, खाना कैसा लगा आपको? भाई माशाल्लाह बहुत मजा आया, खाने की तो बात ही आपने भी दोबारा, आप बताना कैसा था? जी जबरदस्त, मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने खाने में क्या क्या खाया आज? आज तो माशाल्लाह हमने सभी खाया, मछली भी खाई, झींगा भी खाया, वही खाया जो मैंने भी आपने खाया, हमने खाया, हमने सारा सोलिविटी और ब्रीडर बन गया, सोलिविटी ब्रीडर। सोलिविटी है क्या? मैं सुबह से सुन रहा हूँ सोलिविटी सोलिविटी। नेट पे देख रहा हूँ लोग क्या करते हैं कि लोग आजकल सलाद के पत्ते भी काट रहे हैं और अच्छा व्यूअर्स मैं एक चीज और बताता जाऊँ कि हम यहाँ पर जितने भी गेट टुगेदर करने आए हैं, डिनर करने आए हैं, सारे पेट से रिलेटेड हैं। ये खालिद भाई की बर्ड्स की जो मेडिसिन होती हैं और उनके जो दाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो दाना बर्ड्स का जो होता है, बर्ड्स का दाना, बर्ड फीड वगैरह के इनकी शॉप है, इनके पास केजेस वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो तभी ये सोलिविटी बोल रहे हैं। सोलिविटी का मुझे नहीं पता, मैं इनसे मालूम करूँगा जी सोलिविटी है क्या आखिर। जी असल में आज के लिए सोलिविटी ब्रीड का डब्बा है, आज के लिए दूसरे नेट पे देख के ना वो सारे शोशा जो आजकल नेट पे ज्यादा उभरना चाहते हैं जिसको देखो आजकल लोग गलत गाइड करते हैं, सोलिविटी ब्रीड दे, आप सोलिविटी ब्रीड दे, सोलिविटी ब्रीड का डब्बा 28,000 रुपए का, कि आदमी की पहली फूस हो जाए। भाईजान आप असल बताओ ना उसको, भाई सी फूड के अंदर सोलिविटी होता है, आप झींगे का पाउडर दें, आप केकड़े का पाउडर दें, आप मछली का पाउडर दें, तभी आप हमें यहाँ पर सी फूड की मार्केट में लेकर आए ताकि पता चले कि झींगा और केकड़ा यहाँ पर केकड़े का सूप होता है, सूप होता है, बाकी पिसावा खालिद भाई की दुकान पे होता है। आपको सौ फूड में डालने के लिए खालिद भाई से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, पिसावा केकड़ा किसी भी मछली पिसावा झींगा। जी फ्रेंड्स तो खालिद भाई से जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा अगर आपको अपने बर्ड्स को ब्रीडर करना है और उनको फालतू चीजों से बचाना है, तो खालिद भाई अपनी शॉप का एड्रेस भी दे दें। नाजमत गोल मार्केट नाजमत 3 के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने। जी नंबर भी शेयर कर दें 03002318984। जबरदस्त खालिद भाई जरूर, जो इंसान बर्ड्स का शौक रखता है, जो भी व्यूअर बर्ड्स का शौक करता है और वो ब्रीडर बनना चाहता है, ब्रीड करवाना चाहता है, तो मजीद यहाँ वहाँ से गाइडलाइन लेने से बेहतर है खालिद भाई की शॉप पर जाइए, आपको बेहतर गाइड करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या नुकसानदेह चीज़ है, किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है। जो बर्ड्स वगैरह चर्बी में आ जाते हैं वो आई थिंक इसी चीज़ से आते हैं। हाँ वो जाहिर नहीं उल्टी सीधी चीज़ों से आते हैं आजकल जो लोग जो इतनी सारे, आप मुझे बताएं कि सॉफ्ट फूड दिया जाता है, सॉफ्ट फूड के अंदर वो सोलिविटी ब्रीडर भी डाल रहे हैं, मछली का तेल भी डाल रहे हैं, दुनिया की चीज़ें डालते हैं, वो ब्रीडर पे तो क्या आएगा, वो चर्बी पे ही आना है उसको, वो ब्रीड तो नहीं करना उसको। तो लोग जो गलत गाइड कर रहे हैं और गलत बातें करते हैं, आप सच्चाई की तरफ जाएं कि असल बात है, असल सोलिविटी किसी ने बोला सी फूड में होता है, किसी ने बताया कि मछली के अंदर सोलिविटी होता है, झींगे में होता है, केकड़े में होता है, आप सॉफ्ट फूड के अंदर केकड़े का पाउडर डालें, मछली का, झींगे का, ये सारे पाउडर मेरी दुकान में मौजूद होते हैं, सॉफ्ट फूड में डालें, ये असल सोलिविटी है। इसमें सोलिविटी ब्रेड 28,000 का डब्बा लेने के बाद सोलिविटी ब्रेड नहीं है भाई, 28,000 रुपये का डब्बा सबने खरीद के, करोड़पति आदमी ले सकता है, हमारी तरह कंगला आदमी कहाँ जाएगा, वो कहाँ से लाएगा 28,000 रुपये। जी फ्रेंड्स बिल्कुल आप विजिट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इनसे जो है ना कि कॉन्टेक्ट करें, बेहतर रहनुमाई आपकी हो सके। तो इस पूरी वीडियो में फैसल गायब था, असल में आज फैसल के ऊपर एक ड्यूटी लगी हुई थी, मैं अपना कैमरा तो खुद चला रहा था, मोबाइल से सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फैसल यूं गायब था। आज ये जमशेद आसमी साहब का लाइट मैन था, ये लाइट ऑपरेट कर रहा था, वो कैमरा ऑपरेट कर रहे थे, इसीलिए ये नज़र नहीं आया। फैसल भाई आपने खाना खाया, यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, खाना खाया यहाँ पर, अक्सर हम आते रहते थे आपके साथ तो यहाँ पर खाते रहते थे, लेकिन आज ये अलग मतलब कि मज़ा आया क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम यहाँ पर आए। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हम यहाँ पे आते थे, हम फिश लेते थे, झींगा लेते थे, लेकिन झींगा कढ़ाई हमने पहले नहीं खाई थी, पहले नहीं खाई थी, आज फर्स्ट टाइम खाई है झींगा कढ़ाई, फर्स्ट टाइम खाई है, केकड़े का सूप आज पहली बार देखा, और इस तरह के मतलब कि, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आए, मार्केट वगैरह भी बहुत अच्छी हो गई। और मजीद हम बच्चा पार्टी से पूछते हैं, जी बच्चा पार्टी कहाँ गए सारी, यहाँ है बच्चा पार्टी? जी जी ये हमारे साथ एक बच्चा पार्टी भी मौजूद है। जी बेटा आपने अभी खाना खाया यहाँ पर, जी क्या खाया खाने में? मछली कैसी लगी आपको? और मीठे में क्या खाया? गुलाब जामुन, अभी तो आप चाय पी रहे थे। जी फ्रेंड्स तो बच्चे मन के सच्चे सब सच बताते हैं, और साथ में हमारे जो स्पेशल हैं जिन्होंने आज हमें ये ट्रीट दी थी शहजाद भाई, तो शहजाद भाई से मुलाकात करेंगे। जी शहजाद भाई, जी शहजाद भाई, वालेकुम सलाम,
जी व्यूवर्स, तो आज ये जो ट्रीट थी हमारी, आज का जो यहाँ पर सी फूड की जो ट्रीट दी थी, ये शहजाद भाई ने दी थी। ये भी बर्ड्स का काम करते हैं और ये भी नाजमाबाद बोल मार्केट में खालिद भाई के साथ होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल ये जो गैदरिंग है हमारी पेट्स की है, तो साथ में तो वो हमारे मोहतरम हैं मौजूद हैं जमशेद आसमी साहब। तो जी शहजाद भाई, आप व्यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे? एनवायरमेंट भी होना चाहिए जी, ये हम लोग तो काम में अक्सर इतना मसरूफ होते हैं, टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल पाता, तो एक एनवायरमेंट भी हो जाती है, गैदरिंग भी हो जाती है, इतना माहौल बन जाता है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, हम लोग ये आपस में करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप पहले कितनी मतलब आए? जी फ्रेंड, तकरीबन जो है ना कि इनसे हमें मजीद चीज़ें पता चलती हैं। बलोची टिक्का दिखाने वाले यही शहजाद भाई हैं जिनके बारे में वहाँ बताया था, और यहाँ पर मैं पहले भी आया हूँ, ये मार्केट थोड़ी चेंज हो चुकी है यहाँ से, पहले मैं आता था तो बाहर होती थी। तो आप भी ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाइए, यहाँ पर आकर देखिएगा, ये तकरीबन कराची की बड़ी सी फूड मार्केट है। शहजाद भाई बर्ड्स का काम करते हैं और ये भी गोल मार्केट में होते हैं, तो इनसे भी जो है आप जो है ना कि रहनुमाई ले सकते हैं पेट की, बर्ड से रिलेटेड। और जो खालिद भाई, आप अपना नंबर देना चाहेंगे? खालिद भाई ने भी दिया है जी, 0313-202-5055। जी फ्रेंड्स, तो आप बर्ड से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई बर्ड चाहिए हो आपको, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ है ये जानदेव भाई। जानदेव भाई, आप बताएं मुझे कि आज का खाना आपको कैसा लगा? बहुत ही मज़ेदार था, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसकी वजह है कि मैंने जो है ना झींगा फर्स्ट टाइम खाई, झींगे की कढ़ाई जो है फर्स्ट टाइम खाई, और काफ़ी मज़े की थी, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। मछली तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो आज झींगा टेस्ट किया तो काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, आपको इन डिशेज का नाम पता है कि आपने खाई क्या है? झींगा कढ़ाई। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।